हे गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये है मेरे पास Realme C21 वाई फोन। इस फोन का दोस्तों आज टॉप 10 फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप अगर ये फोन लेते हैं तो आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारा फीचर। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये Realme C21 वाई फोन में यहाँ पे आपको R एडिशन मिल जाता है, Realme UI वर्जन। ओके, तो यहाँ पे आपको काफी कम फीचर देखने को मिलता है, लेकिन जो भी फीचर है काफी मस्त है और इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फीचर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर है। इस फिंगरप्रिंट सेंसर को आप अगर डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। उसे एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम करके आ जाएगा। इस पे आपको टैप करना है, गेसर करके एक ऑप्शन मिल जाता है सेकंड वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन। ओके, इसे टैप करके इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये होगा कि ये फिंगरप्रिंट पे आप जब इस तरीके से स्वाइप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा, और स्वाइप अप कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन ऊपर चल जाएगा। मतलब आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है बार बार, आपको स्क्रीन को अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। सिंपली इस तरीके से फिंगरप्रिंट से स्वैप डाउन कीजिएगा तो इस तरीके से दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अप कीजिएगा तो ये चल जाएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है। इसे दोस्तों आप इनेबल करके काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जाना है, और स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट कंट्रोल। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट मोशन करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारा फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप को पहले ये ऑफ रहेगा, इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए इजी आंसर, आप अगर इसे ऑन कर देते हैं, जैसे दोस्तों आपका अगर कॉल आता है कान पे ले जाने के बाद ही दोस्तों रिसीव हो जाएगा कॉल, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है। आप डायरेक्ट कान के सामने लेके जाएंगे, फ़ोन रिसीव हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा आपको अगर ऐसा फीचर चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी बेल करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे दोस्तों आप अगर ऑन करते हैं, इससे ये होगा कि आपका अगर टेबल पे फ़ोन पड़ा हुआ है, रिंग बज रहा है, आप जैसे ही हाथ में लीजिएगा ऑटोमेटिक रिंगटोन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और फ़ोन वाइब्रेट करने लगेगा। इस तरीके का फीचर इनेबल करने के लिए दोस्तों इसे आप ऑन कर लीजिए, और नहीं आपको पसंद है तो इसे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिल जाता है म्यूट इनकमिंग कॉल, आपका अगर ये ऑफ है इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने से ये होगा कि आपका अगर कभी भी कॉल आता है कोई, ओके, आपको साइलेंट वगैरह नहीं करना है, कट नहीं करना है, इस तरीके से फ्लिप करके रख दीजिए फ़ोन को, ऑटोमेटिकली कॉल जो भी आएगा साइलेंट हो जाएगा, मतलब म्यूट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी में दोस्तों आप ये इनेबल कर सकते हैं, आप अगर कोई क्लास वगैरह कर रहे हैं, बार बार आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरीके से फ्लिप करके रख दीजिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा ये। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको और 3 फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो प्ले के अंदर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्ले कंट्रोल है, इसे आप अगर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये होगा कि आपका अगर फ़ोन में गाना चल रहा है, कोई आ जाता है अचानक से, इस तरीके से फ्लिप कर दीजिएगा तो वो गाना ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा। तो इस तरीके का दोस्तों फीचर आप ऑन कर सकते हैं। म्यूजिक स्विच है, आप अगर इसे ऑन करते हैं, इससे ये होगा कि आप अगर गाना सुन रहे हैं चेंज नहीं करना है बार बार, इस तरीके से दोस्तों मतलब स्विच कीजिएगा और गाना ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है। ये सारा फीचर्स ऑन कर लीजिएगा, आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक म्यूजिक स्विच है। ओके, आप अगर इसे ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन लॉक भी है, इस तरीके से आप अगर स्वैप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो सॉन्ग होगा वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारा फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये फ़ोन खरीदते हैं यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिल जाता है, बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन। तो आपको अगर ये बैक बटन पसंद नहीं है, मतलब जो नीचे में नेविगेशन बार है ये पसंद नहीं है, आपको फुल स्क्रीन मोड पसंद है आईफोन का तरह, तो उसे एनेबल कैसे करना है ये बता देते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम करके, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गेसर करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते
सकते हैं सिस्टम नेविगेशन करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप अगर टैप करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री बटन पे क्लिक है, ओके सेलेक्ट है, गेसर नेविगेशन में क्लिक कर दीजिए, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों बटन गायब हो चुका है। आपको अगर होम में जाना है इस तरीके से स्वैप आप कीजिए, ये होम में आ जाएगा। आपको डिसेंट बार ओपन करना है इस तरीके से, स्वैप आप एंड होल्ड करके रखिए, ये डिसेंट बार ओपन हो जाएगा। और कोई भी एप्लीकेशन से आपको अगर बैक करना है तो इस तरीके से स्वैप लेफ्ट या फिर राइट कीजिएगा तो ये बैक हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स, जिनको फुल स्क्रीन मोड पसंद है इस तरीके से आप एनेबल करके यूज़ में ला सकते हैं। और यहीं पे फ्रेंड्स आप अगर बैक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन बार, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीन बटन था ना, इसे दोस्तों आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे कि आपको यहाँ पे बैक बटन नहीं चाहिए, आपको इस तरफ बैक बटन चाहिए, ओके, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, हर फोन में फोन को ऑन ऑफ करने का टाइम आप सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो इस फोन में भी दोस्तों ये फीचर दिया गया है Realme C21Y फोन में। किस तरीके से इनेबल करना है यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने का दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फोन कितना बजे ऑफ होगा और कितना बजे ऑन होगा यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑन है, कितना बजे ऑन करना है फोन, ओके, तो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं। आपको सुबह 5 बजे उठना है, यहाँ 5 बजे क्लिक कर लीजिए, ओके। और यहाँ पे देखिए AM PM कर सकते हैं, सुबह है इसलिए AM कर दिए हैं, ओके। और यहाँ पे फोन ऑफ कौन सा टाइम में होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन करके, यहाँ पे मैं टाइम सेट कर देता हूँ 1 बजे, ओके ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऑन करने से ये होगा कि 1 बजे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और सुबह 5 बजते ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि फ़ोन का बैटरी भी बचा रहेगा और फ़ोन ऑटोमेटिक रेस्ट मोड में चला जाएगा, आपका फ़ोन यूज़ में नहीं आएगा। तो आप अगर फ़ोन को बंद करना भूल जाता है, ऑन करना भूल जाता है, तो इस तरीके का दोस्तों फीचर ऑन करके आप यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फोन में भी आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नाम चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाता है डार्क थीम, ओके, ये डार्क मोड ही है। आप अगर इसे ऑन करते हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो फुल्ली ब्लैक हो जाएगा, ओके। और इस तरीके से दोस्तों आपका जो भी मतलब बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा, डार्क मोड एनेबल हो जाएगा। आप कुछ भी ओपन कीजिएगा, सेटिंग वगैरह सारा चीज़ दोस्तों डार्क मोड आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे डार्क मोड आप एनेबल कर सकते हैं डिस्प्ले पे जाके डार्क थीम में, ओके। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये फीचर्स उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जिनको बार बार कॉल आता है, बार बार कट करना पड़ता है। यहाँ पे पावर बटन एक बार प्रेस कीजिएगा, फोन कट हो जाएगा। इसे एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा और स्क्रॉल डाउन कीजिए, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है ना, उसके ऊपर एसेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर टैप करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन एंड कॉल। इसे आप अगर ऑन कर देते हैं तो आपका अगर कॉल आता है, पावर बटन प्रेस कीजिएगा तो फोन कट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब से फ़ोन लीजिएगा यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो नहीं करेगा, ओके। बैटरी परसेंटेज शो करने के लिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज जो है ना, इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 43% अभी मेरा बैटरी चार्ज है यहाँ पे शो करने लगा। ऑफ करने से ये देखिए चला गया, ऑन करने से ये आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ऑन कर लीजिए, आपका हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फोन में आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे काफ़ी कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग है, इस तरीके से सेटिंग वाला पेज ओपन कर लीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे रिसेंट बार वाला जो मेन्यू है इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे डाउन में आपको स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से टैप कीजिएगा तो ये जो पेज है ना, इसी पेज को स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको दिखा देगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए ओपन कर दिया है, तो आप इसमें दोस्तों यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मार्क वगैरह करके आप किसी को भी सेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। इस कॉर्नर में आप देख सकते हैं पेंसिल वाला एक आइकन मिल जाता है, इस पर टैप करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट है, मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ता है हॉटस्पॉट, इस तरीके से टैप एंड होल्ड कीजिए, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं
जहाँ पे आपको सेट करना है, ये देखिए टैब हैंड होल्ड कीजिए और उस प्लेस पे रख दीजिए जहाँ पे आपको सेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डू नॉट डिस्टर्ब मुझे काम में नहीं आता, इस तरीके से टैब हैंड होल्ड कीजिए, इसे यहाँ नीचे रख देते हैं और यहाँ पे हॉटस्पॉट मुझे ज़रूरत पड़ता है तो इस तरीके से यहाँ पे हॉटस्पॉट सेट कर दिए। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसे हटा दीजिए और जो चीज़ ज़रूरत है उसे दोस्तों आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये सेव हो गया है, ये देखिए हॉटस्पॉट अब मेरा थर्ड नंबर पर ही आएगा। फर्स्ट में वाईफाई, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, तीनों को मैं एक साथ सेट कर लिए। आप भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, आप अगर गेमर है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है या फिर कोई अलग पर्पस के हिसाब से दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्ड का, ये देखिए। ओके, इस तरीके से टैब एंड होल्ड करके रखना है और ऊपर ले आके छोड़ देना है जहाँ पे आपको सेट करना है। इससे ये होगा कि दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर में मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन, ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड आ गया है। इसे आप अगर टैप करते हैं तो रिकॉर्ड ऑडियो है, सो टचेस ऑन स्क्रीन है, इसे दोस्तों आप ऑन करके यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, 2, 1 ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी मैं करूँगा स्क्रीन रिकॉर्ड होते जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टॉप करना है तो टैप टू स्टॉप कर दीजिए, ये स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पे स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, इस फोन में मुझे एक काफी कमाल का फीचर देखने को मिला जो कि है दोस्तों अल्ट्रा सेविंग मोड। आपका अगर बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा है या फिर आपको बैटरी बचा के रखना है, ये दोस्तों प्रोसेस आप कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों इस पेन पे क्लिक कीजिए, ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा सेविंग मोड ये अंदर में आपको दिया गया है। इस तरीके से टैब एंड होल्ड कीजिए, ऊपर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में लेके आ जाइए। ये देखिए यहाँ पे आपको आ गया है अल्ट्रा सेविंग मोड, इसे आप टैप कीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फोन कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ फोन मैसेज और कॉन्टैक्ट, तीन चीज के अलावा दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, ये देखिए स्क्रीन लॉक कर दिए और लॉक ओपन करने के बाद भी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इस मोड को दोस्तों आप इनेबल कर दीजिएगा तो आपका बैटरी काफ़ी सेव होगा। ओके, और आपको अगर इस मोड से निकलना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो करके बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये फिर नॉर्मल मोड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अगर बैटरी बचाना है तो ये मोड आप इनेबल करके यूज़ में ले सकते हैं और इसे ऑन कर दीजिएगा तो आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा, व्हाट्सअप हो गया या फिर कोई अलग सोशल मीडिया अकाउंट से, तो वो आपको शो नहीं करेगा। जब आप नॉर्मल मोड में आ जाइएगा तभी शो करेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यही टॉप 10 फीचर्स मैं सेलेक्ट किए थे इस वीडियो के लिए। आपको इन टॉप 10 फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये फोन आपको अगर बाय करना हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, तो आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फोन का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।